दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। मैं हूं आपका भाई, आपका साथी, आपका दोस्त अनिंद मिश्रा। और आज यूनिक एजुकेशन सिस्टम के तरफ से वेबिनार करने का मौका मिला है और मैं बहुत ही लकी हूं। मेरे जितने भी अपलाइन हैं जिन्होंने मुझे प्रेरणा दिया है इस बिज़नेस को करने के लिए और बिज़नेस को सीखने के लिए। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। नए लोगों के लिए भी जानकारी होगा, ऐसे लोगों के लिए भी जानकारी होगा जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ऐसे लोगों के लिए भी जानकारी होगा जो लोग बिज़नेस को ज्वाइन किए थे लेकिन बिज़नेस को छोड़ दिए हैं, फिर दोबारा वो लोग भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों जब मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया था 2002 28 अक्टूबर को, दुर्गा पूजा का समय था और उस समय आरसीएम में किट आता था। 1500 रुपया देके मैंने किट खरीदा। मैंने यही सोचा कि पूजा के टाइम कपड़ा तो खरीदना ही पड़ता है, तो मैंने कपड़ा खरीद लिया। लेकिन सौभाग्य से दोस्त एक मीटिंग मेरे को ज्वाइन करने का मेरे को मौका मिला और उस मीटिंग में पहला मीटिंग मैंने देखा था कदम सिंह राठी जी का। और मैं उनको नमन करना चाहता हूँ कि उस दिन उन्होंने जो विज़न दिखाया था इस बिज़नेस के प्रति, और मैं डेडिकेटेड होकर उस दिन से मैंने काम करना चालू किया। दोस्तों जिस समय मैंने ज्वाइन किया था उस समय मैं बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और मेरा उम्र भी बहुत कम था। लोगों के पास मैं जाता था इस बिज़नेस का प्लान लेके, उल्टा लोग मेरे को समझा के भेज देते थे। लेकिन दोस्त आज इस बिज़नेस के माध्यम से मेरे पास स्टार रूबी जैसा लेवल है, महीने में लाखों रुपया पर मंथ इनकम आती है दोस्तों इस बिज़नेस के माध्यम से। तो चलिए, ऐसा क्या है आरसीएम बिज़नेस के अंदर जो मेरा विज़न क्लियर हुआ और जिस सिस्टम के माध्यम से आप भी कामयाब बन सकते हैं। दोस्तों पहला चीज़ है, बिज़नेस तभी आपको समझ में आएगा जब आप थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करने के लिए सोचेंगे। दोस्तों जो बिज़नेस पहले नहीं चलता था आज के डेट में सर वो बिज़नेस चल रहा है। कभी कोई नहीं सोचा था कि मास्क का भी धंधा बहुत बड़ा चल सकता है, सैनिटाइजर का बिज़नेस भी बहुत बड़ा चल सकता है। लेकिन आज के डेट में बड़े बड़े कंपनी आज के डेट में फोकस कर रहे हैं दोस्त सैनिटाइजर बनाने का और मास्क बनाने का। तो दोस्तों समय के अनुसार में बहुत कुछ चीज़ परिवर्तन होता है, लेकिन अगर हम लोग अपने आप को परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं है, सोच को बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। तो अपने आप को सर अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को समय के अनुसार में अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों एक समय था 1960 में जो बिज़नेस होता था वो था एग्रीकल्चर का बिज़नेस, फार्मिंग का बिज़नेस। तो उस समय जिन लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन होता था, जो लोग फार्मिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे, वो लोग कामयाब होते थे। दोस्तों 1970 में जो बिज़नेस हुआ वो था प्लास्टिक पीवीसी का धंधा, जो लोग प्लास्टिक पीवीसी के ऊपर काम किया वो कामयाब हुआ। दोस्तों 1980 की अगर बात करें तो 1980 में फिल्म इंडस्ट्री का बिज़नेस था सर, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा वो कामयाब है। मिस्टर अमिताभ बच्चन जी 1980 में उन्होंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा और आज भी उनका फिल्म आता है और लोग देखते हैं सर। और अमिताभ जी बोलते हैं बुड्ढा होगा तेरा बाप, मतलब इस उम्र में भी उस समय उन्होंने स्टार्टअप किया था जिस कारण से आज भी वो सुपर हिट है सर। दोस्तों 1990 की अगर बात करें तो 1990 में इलेक्ट्रॉनिक्स का धंधा जो लोग किया वो लोग कामयाब हुआ। 2000 की बात करें दोस्त तो सन 2000 में जो लोग कंप्यूटर इंडस्ट्री में कदम रखा वो कामयाब हुआ। और 2010 में दोस्त वो लोग कामयाब हुए जो लोग मोबाइल इंडस्ट्री में कदम रखा। और पूरा दुनिया दोस्त बोल रहा है कि भारत में 2020 का जो दशक है ये दशक होगा मल्टी लेवल मार्केटिंग का दशक, नेटवर्क इंडस्ट्री का दशक, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम की दशक। और दोस्तों जिस बिजनेस के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे वो बिजनेस है आरसीएम बिजनेस, और आरसीएम एक डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। दोस्तों ये जो दिखाई दे रहा है आपको सूखा पेड़ है, लेकिन इस पेड़ के अंदर अगर गौर से आप देखेंगे तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी का भी फोटो आपको मिलेगा, राजीव गांधी जी का भी फोटो आपको मिलेगा, इंदिरा गांधी जी का भी फोटो आपको मिलेगा। लेकिन सर अगर ऊपर से आप देखते हैं तो आपको लगता है सूखा पेड़। ठीक उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग है दोस्तों। बहुत सारे लोग सोचते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, जो व्यक्ति लोगों को उल्लू बना सकता है वही नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो सकता है। दोस्तों बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब सामान बेचने का बिजनेस। दोस्तों मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग ना तो लोगों को जोड़ने का बिजनेस है और ना तो प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग लोगों की सपना को पूरा करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। दोस्तों बीसी छाबरा जी का एक सेमिनार मैंने अटेंड किया था और उन्होंने आरसीएम बिजनेस बोला था, नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में बोला था। बीसी छाबरा जी बोलते थे कि समुंदर को ऊपर से देखोगे तो सिर्फ झाक और लहरी नजर आएगी, लेकिन अंदर चले जाओगे तो हीरे और मोती भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस बिजनेस को अंदर जाके देखना बहुत ज़रूरी है, डेप्थ में देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों बहुत सारे लोग अपने अतीत को छोड़ नहीं पाते।
अतीत में क्या हुआ है, कौन सा कंपनी आपको लूट के लेके गया, अपना दिमाग को दोस्तों इस्तेमाल करना है। और दोस्तों एक कहावत है कि अतीत मुर्दा है और भविष्य जिंदा है। अगर अतीत में चले जाएंगे आप तो आप भी मुर्दा बन जाएंगे, और भविष्य में चले जाएंगे आप तो आप भी महान बन जाएंगे, आप भी लीडर बन जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों फ्यूचर के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों हर कोई व्यक्ति जीवन में पैसा कमाना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं। दोस्तों अर्न करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, अर्न करने के लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं, आप भी करोड़पति बन सकते हैं। आप कहाँ से आए हैं दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कहाँ जा सकते हैं और जाना चाहते हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसलिए आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि लोगों का मानसिकता क्या है आज के डेट में। दोस्तों 99.99% स्टूडेंट को अगर पूछा जाए कि बेटा पढ़ लिख के क्या बनोगे, तो 99.99 स्टूडेंट का जवाब होगा कि पढ़ लिख के मेरे को कोई नौकरी करना है दोस्तों। कोई नहीं बोलता दोस्तों कि मेरे को मालिक बनना है। तो ये जो मानसिकता है इसको सर दूर भगाना बहुत ज़रूरी है। बचपन में हम लोग सुनते आ रहे थे दोस्तों कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन दोस्तों आज क्या होता है कि बेटा पढ़ लिख के बनते हैं नौकर। आज दोस्तों इस इंडस्ट्री के बारे में बातचीत करेंगे, जिस इंडस्ट्री में एडुकेशन लेके आप नौकर नहीं दोस्तों, आप अपने जीवन का, अपने डिसीजन का, अपना सपने का आप खुद मालिक बन सकते हैं दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है दोस्तों, ये लोगों का माइंड सेट है। आप चेक करके देखिए दोस्तों, जब भी गवर्नमेंट स्कूल के बारे में हम लोग सोचते हैं ऐसा शकल बना लेते हैं, जैसे ही हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में सोचते हैं तो ऐसा शकल हो जाता है दोस्तों। जैसे ही हम लोग गवर्नमेंट बस के बारे में सोचते हैं कि गवर्नमेंट बस में ट्रेवल करना पड़ेगा तो शकल ऐसा हो जाता है दोस्तों। लेकिन जैसे ही हम लोग गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचते हैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, जैसे लगता है कि ऊपर वाला के साथ दर्शन हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों इस मेंटेलिटी को बदलना बहुत जरूरी है दोस्तों। जो पहला दिन नौकरी करने के लिए जाता है ना दोस्तों, तो रात में दोस्तों उसका नींद होता नहीं है, क्योंकि जो सपना उन्होंने देखा था 20 साल 22 साल पढ़ाई करने के बाद कि मेरे को नौकरी लेना है, और नौकरी जब मिल जाता है तो पहला रात में नींद नहीं होता है दोस्तों। और नौकरी का टाइम, ऑफिस में पहुंचने का टाइम अगर 11 बजे है दोस्तों, तो 9 बजे ऑफिस के गेट के सामने खड़ा हो जाता है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि 20 साल के बाद ऐसा होता है क्या? मजा आ जाता है, मतलब मजा आके चला जाता है। फिर उससे सवाल पूछिए आप कि आप कैसे हैं, तो लोग अक्सर जवाब देते हैं कट रहा है, जैसे ऊपर वाला यहाँ पे कटने के लिए दुनिया में भेजा है, बोलता है कि मोटा मोटी, ना मोटा ना मोटी। तो दोस्तों जीवन में अगर अमीर बनना है, अगर खुल करके जीना है दोस्तों, तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। आज दोस्तों इस पिक्चर को देखिए, बहुत कुछ बताना चाहता है पिक्चर आपको। लोग दोस्तों आज पढ़ लिख के गधा बन रहे, गधा। मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों कि पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ना चाहिए, जरूरी है दोस्तों, स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस पिक्चर क्या बता रहा है दोस्तों कि हम लोग पढ़ लिखने के बाद भी अपना दिमाग का यूज करना छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं दोस्तों। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अक्सर लोग बोलते हैं कि मेरे घर में आरसीएम का प्रोडक्ट यूज नहीं हो पाएगा। मतलब क्यों? क्योंकि मेरे घर पे तो फलाना कंपनी का प्रोडक्ट, फलाना ब्रांड का प्रोडक्ट यूज होता है, मैं तो फलाना ब्रांड का कपड़ा पहनता हूं, दूसरा कपड़ा तो मेरे को अच्छा लगता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि देश बड़ा है या आपके लिए आपका ब्रांड बड़ा है दोस्तों? अगर इस भारत देश को नंबर वन बनाना चाहते हैं तो अपने अंदर एक आदत बना लीजिए दोस्तों। जैसे हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, कोई भी सामान को खरीदते हैं दोस्तों, तो उसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, और उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि उसका एक्सपायरी डेट क्या है। लेकिन दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इस देश को अगर आप प्यार करते हैं, अपने भारत माता को अगर आप प्यार करते हैं दोस्तों, तो आज के बाद जो भी प्रोडक्ट आप लेंगे, आपको और एक चीज देखना बहुत जरूरी है, क्या वो प्रोडक्ट भारत की है, क्या वो प्रोडक्ट भारत में बनता है। और दोस्तों आरसीएम बिजनेस जिस सिस्टम के बारे में हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं दोस्तों, ये 100% स्वदेशी कंपनी है, भारतीय कंपनी है। और इस भारत को अगर नंबर वन बनाना है दोस्तों, तो ब्रांड को छोड़ना पड़ेगा और आरसीएम के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं आरसीएम बिजनेस क्या है, मैं एक लाइन में, एक चुटकी में मैं समझा सकता हूं आरसीएम बिजनेस क्या है। दुकान को बदलना है, सामान को बदलना है, ब्रांड को बदलना है, एडवर्टाइजमेंट को हटाना है और अपना परिवार को साथ में लाना है, यही दोस्तों आरसीएम बिजनेस है। तो इस बिजनेस को जरूर करना चाहिए दोस्तों। आज भारत में सर, भारत का इकोनॉमी सर्वे अगर आप देखेंगे तो आप ताजुब हो जाएंगे दोस्तों कि भारत में 1940 के दशक में दोस्तों फैमिली मेंबर का संख्या होता था 15।
और उस समय एक महीने का खर्चा होता था 1940 में, 1940 के दशक में एक महीने का पेट पालने के लिए खर्चा होता था कि परिवार का सिर्फ 5 रुपया। लेकिन दोस्तों उस समय सपना पूरा उन लोगों का होता था जिनका इनकम था उस समय 50 रुपया एक महीने का। दोस्तों 20 साल के बाद 1960 की अगर बात करें तो 1960 में दोस्तों फैमिली मेंबर का संख्या होता था 10, थोड़ा सा लोग अलग थलग हो जा गए थे उस समय। लेकिन पेट पालने के लिए एक महीने में खर्चा दोस्तों हुआ 50 रुपया, मतलब 10 गुना खर्चा बढ़ गया। और सपना पूरा उन लोगों का होता था उस समय जिनका इनकम महीने का 500 रुपया होता था। दोस्तों 1980 की दोस्तों अगर बात करें, 20 साल की बात, फैमिली मेंबर घट के हो गया 7। इनकम पेट पालने के लिए, जिंदा रहने के लिए, पेट भरने के लिए उस समय जरूरत होता था 500 रुपया। और सपना उस समय उन लोगों का पूरा होता था दोस्तों जिनका इनकम था महीने का 5000 रुपया। 20 साल के बाद सन 2000 की अगर दोस्तों बात करें तो 2000 में फैमिली मेंबर घट के हो गया मात्र 5। लेकिन उस समय पेट भर पालने के लिए दोस्तों खर्चा होता था 5000 रुपया महीने का। और सपना पूरा उन लोगों का होता था दोस्तों जिनका एक महीने में दोस्तों इनकम होता था 50000 रुपया। लेकिन दोस्तों अगर 2020 की बात करें और आगे की बात करें, 2020 नहीं आगे की अगर बात करें, तो दोस्तों हम दो और बच्चा लेंगे कि नहीं लेंगे एक सवाल हो जाएगा। लेकिन फिर भी खर्चा कम नहीं होगा दोस्तों। एक महीने में सिर्फ रोजी रोटी कमाने के लिए दोस्तों उस समय 50000 रुपया का जरूरत होगा। आज की डेट में मैं आपको दोस्तों बोलना चाहता हूं कि आज के डेट में जो लोग महीने में 50000 रुपया इनकम नहीं लेते हैं दोस्तों, क्या वो इंसान की तरह जिंदा है? और दोस्तों आज के डेट में सर सपना पूरा उन लोगों का होता है जिनका एक महीने का इनकम होता है 5 लाख रुपया। दोस्तों क्या आपके पास ऐसा कोई माध्यम है? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके पास ऐसा कोई तरीका है कि आप महीने में 5 लाख कमा सकते हैं? आपके पास दोस्तों एक सिस्टम है आरसीएम बिजनेस, जिस सिस्टम के माध्यम से आप महीने में 5 लाख नहीं, ऐसे हजारों सैकड़ों एग्जांपल हैं दोस्तों जो महीने में लाखों लाखों रुपया पर मंथ इनकम ले रहा है दोस्तों। दोस्तों आज पूरा भारत को अगर देखा जाए दोस्तों, पूरा भारत का फाइनेंशियल कंडीशन क्या है? आज भारत में दोस्तों 10% लोग बीपीएल कैटेगरी में है। बीपीएल 10% लोग जिनका इनकम एक महीने में मैक्सिमम है 6000 रुपया, मतलब 6000 से कम महीने में इनकम है दोस्तों 10% लोग भारत में। दोस्तों पोर क्लास, भारत में पोर क्लास 30% लोग हैं दोस्तों जिनका इनकम है 6000 रुपया से 13000 रुपया के बीच में। दोस्तों भारत में दोस्तों लोअर क्लास 30% लोग हैं जिनका इनकम दोस्तों है 13000 रुपया से लेके 20000 रुपया महीने का। दोस्तों भारत में मिडिल क्लास लोगों का संख्या है 20% जिनका इनकम है दोस्तों 21000 रुपया से 60000 रुपया महीने का। दोस्तों भारत में अपर क्लास मात्र 7% लोग हैं दोस्तों, 7% लोग भारत में हैं जिनका इनकम दोस्तों है 61000 रुपया से लेके 2.5 लाख रुपया महीने का। और दोस्तों भारत में रिच क्लास मात्र 2% लोग हैं दोस्तों जिनका इनकम है 2.5 लाख रुपया से 12 लाख रुपया महीने का। और भारत में पूरा इंडिया में दोस्तों वेल्दी क्लास की अगर बात करें, वेल्दी क्लास जो रॉयल जिंदगी को जीते हैं दोस्तों, ऐसे लोगों की अगर बात करें तो भारत में सिर्फ और सिर्फ 1% लोग हैं जिनका इनकम 13 लाख रुपया से भी पर मंथ से भी ज्यादा है, 50 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी महीने में हो सकता है, 100 करोड़ रुपया भी महीने में इनकम हो सकता है। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप आज के डेट में बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन में है और आपका इनकम महीने में 6000 से कम है, क्या आपके पास ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी है? क्या आपके पास ऐसा कोई जरिया है जिस काम को करके अगले 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आप भी रिच क्लास में आ सकते हैं, आप भी वेल्दी क्लास में आ सकते हैं? अगर आपका जवाब है ना दोस्तों, तो वेलकम है दोस्तों आरसीएम बिजनेस में। इस बिजनेस में आके आप अपना सपना को साकार कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। दोस्तों आज हर कोई व्यक्ति, हम लोग काम करते हैं, वर्क, मेहनत करते हैं, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं और पूरा दुनिया में सारे लोग करते हैं। लेकिन सर वर्क किस लिए करते हैं हम लोग? क्योंकि अपने को इनकम चाहिए, अपने को पैसा चाहिए। और पैसा से क्या करते हैं दोस्तों? हम लोग एक्सपेंस, खर्च करते हैं। और खर्च कहाँ पे करते हैं दोस्तों? प्रोडक्ट के पीछे करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा दोस्तों कि कोई गरीब आदमी है, सुबह में ब्रेकफास्ट लेता है 5 रुपया का चिल्लर खा के, और कोई अमीर आदमी है तो 2000 का नोट ले खा के जो है ब्रेकफास्ट करते हैं। ऐसे आदमी आपको नहीं मिलेगा, हर व्यक्ति को प्रोडक्ट चाहिए दोस्तों। भारत का प्रधानमंत्री जी को भी प्रोडक्ट का जरूरत होता है दोस्तों। भारत में एक किसान को भी प्रोडक्ट चाहिए दोस्तों, एक इंजीनियर को भी प्रोडक्ट चाहिए दोस्तों, हर किसी व्यक्ति को भारत में और पूरा पृथ्वी में प्रोडक्ट चाहिए। और प्रोडक्ट दोस्तों हम लोग खरीदने के बाद जो पैसा बचता है
उसको हम लोग करते हैं सेविंग्स। और सेविंग्स अगर किसी का होता है, होता तो नहीं है, लेकिन अगर 1-2% लोगों का होता है तो दोस्तों उनका सपना पूरा होता है। दोस्तों आज सपना पूरा क्यों नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों हम लोग इनकम तो करते हैं दोस्तों, लेकिन जितना इनकम हम लोग करते हैं दोस्तों उतना खर्च भी कर देते हैं दोस्तों, और बसता है हाथ में खाली डब्बा सेविंग्स के नाम पे। भारत में 99% लोगों के पास कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं है, और सेविंग्स नहीं है दोस्तों, तो इसीलिए सपना भी पूरा नहीं होता है दोस्तों। दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास अपना एक ड्रीम होना चाहिए, सपना होना चाहिए। दुनिया में हर कोई काम दोस्तों लोग करते हैं अपने पेट पालने के लिए, लेकिन मैं कहूंगा दोस्तों इस बिजनेस को अगर करना है तो सिर्फ पेट के लिए नहीं, अपना सपना को पूरा करने के लिए इस बिजनेस को करना है। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आप जिंदा हैं, और जिंदा होने का डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर जो बातें कर सकते हैं वो जिंदा है, जो चल फिर सकते हैं वो जिंदा है, जो खाना खाते हैं सांस लेते हैं वो जिंदा है। लेकिन दोस्तों मैं कहता हूं कि जिनके पास अपना खुद का सपना है वो जिंदा है, जिनके पास सपना नहीं है दोस्तों वो जिंदा लाश की तरह है। तो दोस्तों सपना होना चाहिए, आपका सपना होना चाहिए दोस्तों एडुकेशन को लेकर होना चाहिए, कि आप और हमने पैसा के अभाव में शायद हम लोग बढ़िया एडुकेशन नहीं ले पाए, लेकिन अगले नेक्स्ट जनरेशन आप अपने बच्चे को अच्छा एडुकेशन देने का भी प्लानिंग कर सकते हैं, सपना देख सकते हैं, ये आपका ड्रीम हो सकता है दोस्तों। दोस्तों आपका ड्रीम हो सकता है कि आपको एक बाइक खरीदना है, आपका ड्रीम हो सकता है कि आपको एक कार खरीदना है दोस्तों, आपका ड्रीम हो सकता है कि पूरा वर्ल्ड टूर पे जाना है दोस्तों, आपका सपना हो सकता है, आपका ड्रीम हो सकता है कि आलीशान बंगलों पे रहना है, कोई भी सपना आपका हो सकता है, लेकिन सपना होना चाहिए। और सपना कभी भी दोस्तों छोटा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मैं अक्सर हमेशा प्रोग्राम में मैं कहता हूं कि अगर आपका सपना है कि आसमान के चांद को छूना है तो हो सकता है आपका हाथ चांद तक ना पहुंचे, लेकिन अनिंदा मिश्रा की ये गारंटी है दोस्तों कि आपका हाथ ऊपर ही रहेगा, कीचड़ में तो नहीं गिरेगा दोस्तों। तो सपना देखना चाहिए और बड़ा देखना चाहिए, और इसलिए बड़ा देखना चाहिए क्योंकि सपना देखने के लिए कोई बिल नहीं लगता है दोस्तों। हर काम में बिल लगता है, लेकिन सपना देखने के लिए कोई बिल नहीं लगता है दोस्तों। दोस्तों सपना जब आप देखेंगे तो देख ही रहे हैं पिक्चर में पीछे कि आपके आसपास में आपके पड़ोसी आपके रिश्तेदार आएंगे आपका सपना को चोरी करने के लिए, और आके आपको इतना मधुर मधुर बातें बोलेंगे कि आपको सुन के लगेगा कि ऊपर वाला से आपका दर्शन हो गया दोस्तों। मैंने जब आरसीएम बिजनेस 2002 में स्टार्ट किया था, मेरा दोस्त मेरे रिश्तेदार मेरे से मिलना बंद कर दिया था दोस्तों। लोग मैं जिस गली से जाता था लोग दूसरा गली से निकल जाता था दोस्तों, क्योंकि लोगों को पता था दोस्तों कि मैं आरसीएम का पागल बन चुका। तो दोस्तों आप जब भी सपना देखेंगे तो पड़ोसी आएगा, आपका रिश्तेदार आपके दोस्त आएंगे, जो करीबी लोग होंगे वो अपना सपना आपका सपना को चोरी करने के लिए आएंगे दोस्तों। उनसे बच के रहना दोस्तों, उनसे बच के रहना होगा आपको दोस्तों। अगर आपका सपना है कि चांद में आपको जाना है, और आप अगर व्हीकल अगर आप डिसाइड करते हैं कि साइकिल लेके जाना है, हाउ कैन पॉसिबल, ये संभव नहीं है दोस्तों। आप चाहे जितना भी हार्ड वर्क करेंगे तब भी चांद में नहीं जा सकते हैं। चांद में जाने के लिए दोस्तों आपको रॉकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आरसीएम बिजनेस क्या है दोस्तों? रॉकेट है जो आपके मंजिल तक आपको पहुंचा सकते हैं, जो आपको आपके सपना तक आपको पहुंचा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आज आरसीएम बिजनेस की अगर बात करें तो पूरा वर्ल्ड में दोस्तों 5 तरीके का मार्केटिंग बिजनेस होता है। एक मार्केटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट एक्सचेंज मार्केटिंग, लगभग 200-300 साल पहले होता था दोस्तों, विनिमय पद्धति जिसको बोला जाता था। किसी के पास गेहूं है वो गेहूं के बदले में चावल लेता था, कोई मिट्टी का घड़ा देके उसके बदले में पीतल का बर्तन लेता था, तो इसको बोलते थे एक्सचेंज मार्केटिंग सिस्टम। लेकिन और एक सिस्टम आया जिसको बोलते हैं आज भी चल रहा है ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे दोस्तों। उसके बाद एक सिस्टम आया मॉल मार्केटिंग सिस्टम, लोगों का एक ट्रेडिशन बन गया, एक फैशन बन गया दोस्तों कि मॉल में जाके लोग मार्केटिंग करते हैं। उसके बाद एक सिस्टम आ गया ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम, मोबाइल में घर में बैठ के आप कोई भी प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद दोस्तों एक सिस्टम, नया सिस्टम, जिस सिस्टम का नाम है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, डायरेक्ट मार्केटिंग सिस्टम। और डायरेक्ट मार्केटिंग सिस्टम के टॉपिक को लेके ही हम लोग बात क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन है दोस्तों। आज प्रोडक्ट एक्सचेंज मार्केटिंग बंद है तो इसको लेके बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस है दोस्तों। आप भी मार्केटिंग करते हैं, आपके पापा भी मार्केटिंग किया, आपके दादाजी भी मार्केटिंग किया, एक रुपये का बेनिफिट किसी को नहीं मिला, यस और नो दोस्तों? राइट सर। उसके बाद आप अगर मॉल में जाके मार्केटिंग करते हैं क्या आपको कोई बेनिफिट मिलता है दोस्तों? नहीं मिलता। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं दोस्तों तो कई बार आपको ठगना भी पड़ता है,
बेनिफिट तो दूर की बात, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम दोस्तों एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम से आपका सपना पूरा हो सकता है, आपका करियर बन सकता है, महीने में लाख रुपए इनकम आप ले सकते हैं और एक अच्छा हेल्दी प्रोडक्ट लेने का एक जरिया भी आपके लिए बन सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करेंगे। ट्रेडिशनल में क्या होता है कि एक कंपनी होती है दोस्तों जो मैन्युफैक्चरिंग करता है प्रोडक्ट को, उसके बाद वो प्रोडक्ट जाता है सीएनएफ एजेंट के पास, उसके बाद वो प्रोडक्ट क्या होता है एडवर्टाइजमेंट होता है और सबसे ज्यादा खर्चा यहाँ पे होता है दोस्तों एडवर्टाइजमेंट। कोई भी कंपनी अपना प्रचार के लिए कोई भी सेलिब्रिटी को जब भी वो कॉन्टैक्ट करते हैं तो लगभग 20% से 40% पैसा दोस्तों एडवर्टाइजमेंट के पीछे खर्चा होता है। उसके बाद वो प्रोडक्ट जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, उसके बाद वो प्रोडक्ट जाता है होलसेलर के पास, उसके बाद वो प्रोडक्ट जाता है रिटेलर के पास और उसके बाद वो प्रोडक्ट आपको और मेरे को मिलता है, कंज्यूमर को दोस्तों मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं होता, लेकिन और एक सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम जिस सिस्टम के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। कंपनी प्रोडक्ट को तैयार करता है, पिकअप सेंटर के थ्रू से प्रोडक्ट डायरेक्ट मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर को और बीच में जो ट्रेडिशनल सिस्टम में बिचौली लोग पैसा कमाते थे वही पैसा यहाँ पे एक आम आदमी को दिया जाता है और आम आदमी का सपना को पूरा किया जाता है दोस्तों। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम की बेनिफिट की अगर बात करें, आरसेम बिजनेस की बेनिफिट की अगर बात करें तो पहला बेनिफिट लो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, मार्केट से बहुत कम दाम में आपको प्रोडक्ट मिलता है। दूसरा क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिलता है। तीसरा आपको बेनिफिट मिलता है हेल्दी प्रोडक्ट। चौथा आपको बेनिफिट मिलता है 30 दिन मनी बैक गारंटी, 30 डेज, 30 दिन के अंदर अगर प्रोडक्ट आप रिटर्न करना चाहते हैं तो रिटर्न भी कर सकते हैं। और बेनिफिट क्या मिलता है दोस्तों, कंप्यूटर बिल। इस देश को अगर नंबर वन बनाना है दोस्तों तो कंप्यूटर बिल लेना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। कंप्यूटर बिल लेंगे तो ही गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा दोस्तों और आपके पैसा से इस देश का निर्माण हो सकता है दोस्तों। तो आरसे में एक रुपया का भी प्रोडक्ट लेते हैं आप तो एक रुपया का प्रोडक्ट का भी कंप्यूटर बिल मिलता है दोस्तों। आरसेम बिजनेस में जब भी आप कोई प्रोडक्ट को मार्केटिंग करते हैं तो एमआरपी से कम दाम में आपको प्रोडक्ट मिलता है, 10-20% डिस्काउंट पे आपको प्रोडक्ट मिलता है। जो प्रोडक्ट रिटेल करके सेल करके आप एक 10% से 20% का मार्जिन आप कमा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कंपनी जो देती है 32% डिस्काउंट ऑन बिजनेस वॉल्यूम जो इंसेंटिव के रूप में आपके बैंक खाता में आता है दोस्तों, जो तीन प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है 32%। पहला परफॉर्मेंस बोनस जिसको 32% कंपनी देता है, उसके बाद 8% रॉयल्टी और 5% टेक्निकल बोनस, टोटल 45% पैसा कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बिजनेस जेनरेशन वाइज बिजनेस है। आज रवि ओपी शर्मा जी को देखिए दोस्तों, उनके पापा ने मेहनत किया, उनके पापा ने स्ट्रगल किया, उनके पापा ने इस बिजनेस को बिल्ड किया, लेकिन आज उनके पापा जी नहीं है, लेकिन आज भी रवि जी के घर पे महीने में लाखों रुपए इनकम आ रहा है दोस्तों। दैट इज द पावर ऑफ आरसेम बिजनेस। इस बिजनेस की एक पावर है दोस्तों, तो इसलिए इस बिजनेस को करना चाहिए। थोड़ा सा कंपनी की हिस्ट्री जान लेते हैं। आरसेम कोई कंपनी नहीं है, आरसेम एक ट्रेडमार्क है। इसका फुल फॉर्म राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। इसके पीछे जो कंपनी काम करती है, कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। जो कंपनी का जो ऑफिस है वो हेड ऑफिस राजस्थान भिलवाड़ा में है और कंपनी 100% इंडियन है और कंपनी FDSA की मेंबरशिप है, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग का मेंबरशिप है कंपनी का। और कंपनी का जो फाउंडर है मिस्टर तिलोक चंद छाबड़ा जी, उनका एक बहुत बड़ा सोच है, बहुत बड़ा विजन है दोस्तों। आज कोई भी कंपनी आके मेरे से अगर पूछता है कि आरसेम से अच्छा प्रोडक्ट मैं लेके आ गया हूँ, आरसेम से बढ़िया प्लान मेरे पास है, आप आरसेम बिजनेस में आ जाइए, मैं दोस्तों एक ही बात कहूंगा, आरसेम से अच्छा प्रोडक्ट, आरसेम से अच्छा प्लान आपके पास हो सकता है, लेकिन आरसेम जैसा फाउंडर श्री तिलोक चंद छाबड़ा जी जैसा व्यक्ति आपके पास नहीं है दोस्तों। इतना कमिटमेंट है उनका। तो दोस्तों इस बिजनेस को करने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है मिस्टर तिलोक चंद छाबड़ा जी, एक विजनरी फाउंडर है दोस्तों। और 100% दोस्तों ये लीगल बिजनेस है, 100% एथिकल डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। कंपनी का हेड ऑफिस भिलवाड़ा में है, राजस्थान में है, मतलब ये 100% इंडियन कंपनी है। कंपनी का दोस्तों आज के डेट में अप्रॉक्सीमेट 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है। लगभग कंपनी का 9000 से ज्यादा पिकअप सेंटर वंडर वर्ल्ड है कंपनी का और लगभग 103 से ज्यादा कंपनी का डिपो है दोस्तों। इस बिजनेस को करने का मेन तीन मुख्य कारण है। पहला कारण इस बिजनेस को करने का वो है हेल्थ प्रोटेक्शन। पैसा करोड़पति आप बन जाएंगे दोस्तों,
लेकिन अगर आपका तबीयत साथ ना दे तो उस पैसा को क्या करेंगे। आरसीएम का प्रोडक्ट पहला काम जो करता है दोस्तों, हेल्दी प्रोडक्ट, आपका हेल्थ को प्रोटेक्शन करता है। दूसरा, आरसीएम का जो उद्देश्य है दोस्तों, मेक न्यू इंडिया, एक नया भारत का निर्माण, ये आरसीएम बिजनेस का उद्देश्य है दोस्तों। और सेल्फ डेवलपमेंट, अपने आप में स्वनिर्भर होने का एक बहुत बड़ा जरिया है दोस्तों आरसीएम बिजनेस। इस बिजनेस को अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो घर बैठे बहुत आसान तरीके से आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए एक फोटो चाहिए आपका, ज्वाइन करने के लिए एक पैन कार्ड चाहिए आपका, ज्वाइन करने के लिए आधार कार्ड चाहिए आपका, ज्वाइन करने के लिए बैंक अकाउंट का डिटेल चाहिए। मात्र ये सारा डॉक्यूमेंट देके आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना KYC को ओके करा सकते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस बिजनेस में आप ज्वाइन करने के बाद आप बनते हैं 45% की पार्टनर, 1% 2% नहीं दोस्तों, 45% की पार्टनर बनते हैं और कंपनी बनता है दोस्तों 55% की पार्टनर। अब देखिए दोस्तों, इस बिजनेस में कंपनी का क्या काम है और आपका क्या काम है। पहला, कंपनी का काम देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो भी रिसर्च जो भी डेवलपमेंट वो कंपनी करती है दोस्तों 55% के बदले में। कंपनी इंडस्ट्री को लगाती है, कंपनी प्रोडक्शन यूनिट को संभालती है, कंपनी क्वालिटी को कंट्रोल करता है, कंपनी मैनेजमेंट सिस्टम को देखता है, कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को देखता है, कंपनी लीगल मैटर्स को देखता है, कंपनी अकाउंट सेक्शन को देखता है। कंपनी 55% में इतना सारा काम करते हैं दोस्तों, प्रोडक्शन इंडस्ट्री सब कुछ। आपका काम है 45% की पार्टनर बनना है आपको, तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है दोस्तों, वो है यूज द प्रोडक्ट एंड प्रोमोट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को यूज करना है, प्रोडक्ट की तारीफ करना है दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो। यस सर, सिर्फ ये दो ही काम आपको करना है। ये बिजनेस क्यों करना चाहिए दोस्तों, पहला जो मेन इंपॉर्टेंट रीजन है कि बिजनेस आपका ओन बिजनेस, आपका अपना खुद का बिजनेस, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है दोस्तों। आपको मीटिंग पे जाना है आपकी मर्जी, नहीं जाना है आपकी मर्जी, बिजनेस को करना है आपकी मर्जी, छोड़ देना है आपकी मर्जी। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। मैं एक चीज कहूंगा दोस्तों, अगर मेरा कोई डाउनलाइन अगर इस बिजनेस को छोड़ के चला जाता है तो मैं एक चीज मानता हूं दोस्तों कि सारे लोग कुर्सी में बैठा हुआ है, कोई कुर्सी खाली करके गया, इसका मतलब उस कुर्सी में उससे भी कोई बढ़िया क्वालिटी का आदमी आके बैठेगा। कुर्सी अगर खाली नहीं होगा तो बैठेगा कैसे। तो दोस्तों हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए दोस्तों। तो पहला चीज, ये बिजनेस आपका अपना खुद का बिजनेस है। दूसरा चीज दोस्तों, ये बिजनेस जो है इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है कार बेसिस, CAR, कार मतलब सी फॉर कंज्यूमेबल, जो लोग कंज्यूम करते हैं। दूसरा, ए फॉर एफोर्डेबल, लोगों की जेब के साइज के अनुसार होना चाहिए, और आर फॉर रिपीटेबल, जो प्रोडक्ट एक बार नहीं बार बार यूज करने की जरूरत है। आरसीएम के पास ऐसा प्रोडक्ट, नमक जैसा प्रोडक्ट जो बार बार यूज करने का जरूरत, हल्दी जैसा, मसाला जैसा प्रोडक्ट जो रिपीटेबल प्रोडक्ट है, इसलिए बिजनेस कभी सैचुरेटेड नहीं होगा, ये बिजनेस हमेशा नंबर वन रहेगा दोस्तों। दूसरा पॉइंट सर, ये बिजनेस जो है दूसरों को हेल्प करने का बिजनेस है, दूसरों को मदद करने का बिजनेस है। आज दोस्तों लोग धर्म के नाम से व्यापार कर रहे हैं दोस्तों, लोग धर्म के नाम से व्यापार कर रहे हैं, लेकिन हमें गर्व है दोस्तों कि हम लोग आरसीएम बिजनेस में लोगों की मदद करते हैं। लोग ऊपर उठेंगे तो आप भी ऊपर उठेंगे। तो लोग धर्म के नाम से व्यापार करते हैं लेकिन हम लोग बिजनेस के नाम पे असली लोगों को धर्म कराना सिखाते हैं दोस्तों। तो इसलिए इस बिजनेस को 100% करना चाहिए। आरसीएम बिजनेस क्यों, वाई आरसीएम बिजनेस, आरसीएम बिजनेस को क्यों करना चाहिए। पहला चीज, हेल्थ के लिए करना चाहिए। दूसरा चीज, वेल्थ के लिए करना चाहिए। तीसरा चीज, टाइम फ्रीडम के लिए करना चाहिए। चौथा चीज, इनकम सिक्योरिटी के लिए करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, रिकॉग्नाइजेशन के लिए करना चाहिए। रिकॉग्नाइजेशन दोस्तों, एक ही चीज मैं कहूंगा कि जहां पे पैसा काम करना बंद कर देता है दोस्तों, वहां पे रिकॉग्नाइजेशन काम करता है। तो रिकॉग्नाइजेशन के लिए दोस्तों काम करिए। आरसीएम बिजनेस में सर आपको सीखना पड़ेगा, जितना सीखेंगे उतना बिजनेस बड़ा होगा। आज अगर आपका बिजनेस लाखों का है, मतलब आपके पास नॉलेज, आपके पास स्किल लाखों जैसा है। अगर आपका बिजनेस करोड़ों का है तो इसका मतलब आपका नॉलेज, आपका स्किल करोड़ों जैसा है। तो आपको सीखना पड़ेगा। अपने पास बहुत सारा प्रोडक्ट है, एक एक सेक्टर का प्रोडक्ट, सिर्फ एक प्रोडक्ट लेके करोड़ों का धंधा आप कर सकते हैं दोस्तों। हेल्थ गार्ड बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट, करोड़ों का बिजनेस हो सकता है। न्यूट्रीचार्ज हेल्थ सप्लीमेंट,
आज कोरोना के टाइम में कोरोना से बचने का एक ही रास्ता है, अपना इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग रखना। और न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज S5, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज ओमेन, न्यूट्रीचार्ज किड्स, जितने प्रोडक्ट हैं ये आप दैनिक अगर टाइमली अगर सेवन करते हैं, यूज करते हैं, तो दोस्तों आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ सकता है। तो लोगों को इस प्रोडक्ट की जानकारी दोस्तों आपको देना पड़ेगा। तीसरा और एक ब्रांड अपने पास है ऑथोनजा टेक्सटाइल, जूता बहुत सारा आइटम है ऑथोनजा का, सिर्फ एक सेक्टर जो आपका करोड़ों का बिजनेस कर सकता है। हरीश संजीवनी जो एग्रीकल्चर के लिए एक बहुत जानदार शानदार प्रोडक्ट है, इसको लेके आप करोड़ों का बिजनेस कर सकते हैं। आरसीएम की FMCG फर्स्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, साबुन तेल मसाला ये सारा प्रोडक्ट, इसको लेके करोड़ों का बिजनेस खड़ा किया जा सकता है दोस्तों। गुड डॉट एक ऐसा सेक्टर जहां पे काम करके, जहां पे नॉलेज लेके आप बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। और एक शानदार सेक्टर कीसोल का नॉलेज लेके भी, खास करके लेडीज बहने जितने भी हैं, माँ बहने जितने भी हैं, वो कीसोल का नॉलेज लेके, ट्रेनिंग लेके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों जिस फोटो में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिसोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको यूज करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप जंगल में जाते हैं हाथ में बंदूक लेके और शेर आ जाता है आपको खाने के लिए, दोस्तों बंदूक दिखाने से शेर नहीं भाग जाएगा, बंदूक को यूज करना पड़ेगा तब शेर भागेगा। RCM करने से दोस्तों कोई कामयाब नहीं होता है, RCM करने के बाद इस बिजनेस को इम्प्लीमेंट करने से लोग कामयाब बनते हैं। तो रिसोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, रिसोर्स को यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिसोर्स में पहला चीज, पहला काम अपना दुकान अपने लिए और अपनों के लिए। अगर पहला स्टेप आपका सही नहीं है दोस्तों, तो आप मंजिल तक नहीं जा सकते। पहला चीज अपना दुकान के ऊपर दोस्तों काम करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट दोस्तों करना पड़ेगा। आप किसी को पैसा नहीं दे रहे, ना तो अपलाइन को दे रहे हैं, ना तो अनिंदा मिश्रा को दे रहे हैं, ना तो डाउनलाइन को दे रहे हैं दोस्तों। आप प्रोडक्ट खरीद के अपने घर पे रख रहे हैं और वहां से आप प्रोडक्ट को रिटेल कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अपना दुकान। कितना इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों? 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, आप अपने कैपेसिटी के अनुसार में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक ही चीज कहूंगा कि एक भिखारी को भी बिजनेस करना आता है दोस्तों, लेकिन हम लोगों को नहीं आता है। एक भिखारी जब अपने घर से निकलता है ना, तो हाथ में खाली कटोरा लेके भीख मांगने के लिए नहीं निकलता है दोस्तों, वो अपने जेब से कुछ चिल्लर लेके उसमें डालता है। उसको भी पता है इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बिजनेस होगा, बिजनेस होगा तो इनकम भी आएगा। अपना दुकान खोलेंगे, बिजनेस होगा, इनकम भी आएगा दोस्तों, सेल होगा, इनकम भी आएगा दोस्तों। तो अपना दुकान के ऊपर 100% फोकस होना चाहिए। दूसरा, डेवलप हैबिट्स ऑफ कीपिंग स्टॉक। आपके पास जितना स्टॉक रहेगा प्रोडक्ट का, उतना बड़ा बिजनेस होगा दोस्तों। रॉयल्टी कहां से आएगा? प्रोडक्ट के अंदर से आएगा दोस्तों। कार कहां से निकलेगा? पेस्ट के ट्यूब के अंदर से कार निकलेगा, साबुन के अंदर से टेक्निकल निकलेगा, लाखों का चेक निकलेगा दोस्तों। तो आपको प्रोडक्ट स्टॉक रखना पड़ेगा दोस्तों। आप और हम चाहेंगे तो भारत में 1 करोड़ पिकअप सेंटर नहीं खोल सकते हैं दोस्तों, लेकिन आप और हम चाहेंगे तो पूरा भारत में 1 करोड़ अपना दुकान जरूर खोल सकते हैं दोस्तों, और अपना दुकान से बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है दोस्तों। और सोशल डिस्टेंस में दोस्तों ये अचूक मंत्र है दोस्तों कामयाब बनने का, क्योंकि आज के टाइम में दोस्त लोग अलर्ट है, लोग हेल्थ कॉन्शियस है, लोग भीड़ भाड़ को अवॉइड करते हैं दोस्तों। आपके पास अगर अपना दुकान है तो आप होम डिलीवरी प्रोडक्ट देके आप करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। आप कितना करें दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा अपना खुद का दुकान है जहां से महीने में कितना सेल होता है, मैक्सिमम 15,000-20,000 का सेल होता है। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज कहूंगा, मैंने किया, मेरा टीम ने किया, डुप्लीकेशन हुआ और आज करोड़ों का बिजनेस अपना दुकान के माध्यम से मेरे ग्रुप में, मेरे टीम में होता है दोस्तों। दोस्तों इसको करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं दोस्तों। अगर आपके टीम में, एग्जांपल मान लेते हैं, आपके टीम में, आपके पूरा नेटवर्क के साइज में 100 व्यक्ति हैं और 100 में से 100 लोग अपना दुकान फॉर्मेट के ऊपर काम नहीं कर रहे, तो आपका बिजनेस कितना होगा सोचिए। 100 व्यक्ति नेटवर्क में है, अपना दुकान प्रोडक्ट स्टॉक किसी के पास नहीं है, रिटेलिंग किसी का नहीं हो रहा है, तो आपका मैक्सिमम बिजनेस 10,000 भी 20,000 भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आपके टीम में 100 लोग हैं और सारे लोग अगर प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट करके, सेल करके और अपना दुकान फॉर्मेट के ऊपर काम करते हैं, तो आपका 100 लोगों से 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम का भी बिजनेस हो सकता है दोस्तों।
10 लाख बिजनेस वॉल्यूम, 4-5 रॉयल्टी अचीवर भी निकल सकता है दोस्तों, मात्र 100 लोगों के टीम के माध्यम से। दोस्तों एक पिक्चर आप पीछे देख रहे हैं, ये असंभव है, लेकिन मैं इसीलिए आपको दिखाना चाहता हूं कि जहां पे एक आम व्यक्ति का सोच खत्म हो जाता है, वहां से नेटवर्क मार्केटिंग का सफर शुरू होता है। दोस्तों आज मेरे रिश्तेदार, मेरे रिलेटिव, जितने भी लोग हैं, अगर मैं अपना इनकम के बारे में अगर बता दूं उनको, तो दोस्तों उनको विश्वास नहीं होगा। इसलिए कभी कभी झूठ मूठ भी बोलना पड़ता है, गोल गोल घुमा के बोलना पड़ता है, ताकि उनको डाइजेस्ट हो, नहीं तो हजम नहीं हो पाएगा, डाइजिन खिलाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये नेटवर्क मार्केटिंग से ही पॉसिबल है, मेरे कारण से, आपके कारण से नहीं होगा। पावर ऑफ नेटवर्क इंडस्ट्री, वाई RCM ओनली। पहला चीज, एजुकेशन सिस्टम। आज जो लड़का आपके सामने खड़ा है, मैं एक बंगाली परिवार से बिलोंग करता हूं दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं है, हायर सेकेंडरी जो एग्जामिनेशन होता है, HS एग्जामिनेशन मेरा रिकॉर्ड है दोस्तों, मैंने 2 साल पढ़ाई करके मैंने पास किया। इसको बोलने में मेरे को बिल्कुल शर्म नहीं होता है, क्योंकि जो 1 साल का पढ़ाई करके पास करता है उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होता है, मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों। तो पहला चीज़ एजुकेशन सिस्टम। मैं पहले हिंदी का हॉबी मेरे को पता नहीं था दोस्तों, लेकिन ये बिजनेस की ताकत है दोस्तों कि आज मैं हिंदी में फ्लुएंटली आप लोगों से बात कर सकता हूँ, पूरा भारत को मैं संबोधित कर सकता हूँ हिंदी में दोस्तों। तो इस बिजनेस की एजुकेशन की ताकत है। दूसरा चीज़, ये बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट बेस है, यहाँ पे लोगों को ठगने का कोई मैटर नहीं है। आज मार्केट में बहुत सारे लोग प्लान बेचते हैं, हम लोग प्लान नहीं बेचते हैं दोस्तों, हम लोग प्रोडक्ट बेचते हैं। जो प्लान बेचने वाला कंपनी है, आज उसको लीडर लोग बोलते होंगे, लेकिन 1-2 साल बाद वही लोग उनको चीटर भी बोलेंगे दोस्तों। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट बेचते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। आप अगर प्रोडक्ट देते हैं तो कोई आज आपको लीडर बोल रहा है तो हमेशा लीडर ही बोलेगा, रेस्पेक्ट के साथ। दोस्तों पैसा कितना नुकसान हुआ डज नॉट मैटर, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपना छवि खराब नहीं होना चाहिए, अपना फेस वैल्यू खराब नहीं होना चाहिए। तो पहला चीज, 100% RCM बिजनेस प्रोडक्ट बेस है। दूसरा, ग्रेविटी ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जो 100% लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट, ऐसा क्वालिटी का प्रोडक्ट जो हर कोई व्यक्ति लेना पसंद करते हैं, रेट हर एक व्यक्ति के पॉकेट के अनुसार। ये तीनों पॉइंट अगर एक लाइन में बताऊं आपको, तो RCM के पास जो भी प्रोडक्ट है इतना दाम में कम है कि एक मजदूर भी खरीद सकता है, और क्वालिटी इतना जबरदस्त है कि गेजेटेड ऑफिसर भी इस प्रोडक्ट को यूज करने में कभी भी संकोच नहीं करेगा। दोस्तों यूज करिए प्रोडक्ट, आपको पता चल जाएगा। और सबसे बड़ा चीज, RCM का प्लान, RCM का आन बान शान है RCM का प्लान। मैं कहता हूं कि कलम से कलाम लिखा जाता है, कलम से कलाम लिखा जाता है, दर्द भरे दिल से पहगाम लिखा जाता है, और वो कलम हो जाती है पागल जिस कलम से RCM बिजनेस का प्लान लिखा जाता है। इतना जबरदस्त प्लान, प्लान में कोई घोचपोच नहीं है, कोई हौचपोच नहीं है, बिल्कुल सीधा साफ्टा प्लान, खुला किताब है RCM। तो एक जबरदस्त प्लान के साथ RCM बिजनेस है, और कंपनी एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा भारत में कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप सोचिए दोस्तों, इतना बड़ा कंपनी का सिर्फ इस बिजनेस को ज्वाइन करने का डिसीशन लेके, निर्णय लेके, आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का 45% का पार्टनर बन सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए इस बिजनेस को करना चाहिए। दोस्तों जो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं पीछे, इसमें देखिए, सिर्फ हार्डवर्क करने से काम नहीं चलेगा, अपने आप को तैयार करना जरूरी है। क्रिकेट आप भी जानते हैं, क्रिकेट मैं भी जानता हूं, क्रिकेट धोनी भी जानते हैं, और क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी जानते हैं। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप और मैं अगर क्रिकेट खेलूंगा तो क्या पैसा आएगा, क्या करोड़पति बन जाएंगे? लेकिन धोनी साहब खेलते हैं ना, तो उनको पैसा मिलता है, उनको करोड़ रुपया मिलता है। पता है क्यों? क्योंकि आपके पास और मेरे पास क्रिकेट का सिर्फ और सिर्फ ज्ञान है, और सचिन तेंदुलकर और धोनी जी के पास क्रिकेट का विशेष ज्ञान है। तो आपको दोस्तों इस बिजनेस में कामयाब बनना है, तो सिर्फ हाथ पांव मारने से काम नहीं चलेगा, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, ऐसे मीटिंग में आपको अपना स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। और मीटिंग सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मीटिंग में कोई भी टॉपिक अगर आपको अच्छा लगे तो उसको कॉपी पेन में नोट डाउन करिए दोस्तों। अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। आप करियर के रूप में इस बिजनेस को कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आज दुनिया में 2 तरीके का इनकम सोर्स है दोस्तों। एक, 90% लोग जिस इनकम को प्राप्त करते हैं, लेते हैं या ले पाते हैं, वो है एक्टिव इनकम। एक गाना शायद बचपन में सुने होंगे आप भी, मैं भी सुना था, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। इसका मतलब कि जब तक नाचोगे तब तक पैसा आपके पास आएगा, नाच बंद तो पैसा आना बंद।
इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम में क्या है सर, जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। जॉब, कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोफेशन, फार्मिंग, कोई भी प्रोफेशन, जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। लेकिन और एक इनकम सोर्स है दोस्तों, जिसको बोलते हैं पैसिव इनकम। मात्र भारत में 10% लोग इस इनकम को ले पाते हैं। यहाँ पे आप काम नहीं करते बल्कि पैसा आपके लिए काम करते हैं। फिक्स डिपॉजिट, प्रॉपर्टी का बिजनेस, शेयर मार्केट, गोल्ड, रेंट इनकम, म्यूचुअल फंड। लेकिन आरसीएम एक ऐसा इनकम आपको दे सकता है जो पैसिव इनकम से भी बढ़िया है, क्योंकि पैसिव इनकम से बढ़िया इसलिए मैं कहूंगा, फिक्स डिपॉजिट आप करते हैं तो हर महीने में पैसा आपको नहीं मिलेगा, क्या खाएंगे, हवा खा के जिंदा रह सकते हैं क्या? लेकिन आरसीएम आप लगातार 5 साल कर लेंगे दोस्त, तो एक्टिव इनकम से आप पैसिव जोन पे आ जाएंगे। उसके बाद आप काम नहीं भी करेंगे तो भी पैसा आपके पास आएगा। मैं तो चैलेंज और गारंटी के साथ बोल सकता हूं, कोई भी व्यक्ति ईमानदारी के साथ अगर 5 साल आरसीएम बिजनेस को कर ले और उसके बाद अगर वो साधु महात्मा बनना चाहता है कि मेरे को पैसा और नहीं चाहिए, तब भी उसको पैसा महीने में लाखों और करोड़ों का आ सकता है दोस्तों। तो इतना पावरफुल सिस्टम, पावरफुल बिजनेस है। लोग पूछते हैं क्या तुम पागल हो? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। एक व्यक्ति 2 से 5 साल आरसीएम करता है दोस्तों, और एक व्यक्ति 40 से 50 साल नौकरी करता है दोस्तों। अगर आप 2 से 5 साल आरसीएम करके अगर आप करोड़पति बन सकते हैं तो क्या ये पागल है? मेरे को लगता है दोस्तों कि 40 से 50 साल काम करने के बाद जो व्यक्ति गरीब के गरीब ही रहता है, उनको सोचना पड़ेगा दोस्तों कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जरूर कुछ ना कुछ परिवर्तन करने का जरूरत है दोस्तों। तो इसलिए मैं आपका भाई, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि बहुत लेट हो गया इस बिजनेस को करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो पहले जुड़ता है वो कामयाब होता है, जो बाद में जुड़ता है वो कामयाब नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल गलत, क्योंकि दोस्तों जिस समय मैंने ज्वाइन किया था उस समय कोई पिकअप सेंटर नहीं था, मुश्किल था। जब मैंने ज्वाइन किया था सिर्फ पैंट और शर्ट का कपड़ा मिलता था, कोई अदर्स प्रोडक्ट नहीं था, मुश्किल था। जिस समय मैंने ज्वाइनिंग किया था उस समय महीने में लाखों रुपया पर मंथ इनकम लेने का कोई एग्जाम्पल नहीं था, बिजनेस करना मुश्किल था। लेकिन दोस्तों आज अगर बात करते हैं, बिजनेस करना आसान है क्योंकि आज 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है। बिजनेस करना आज आसान है क्योंकि भारत में 9000 से ज्यादा पिकअप सेंटर है कंपनी का, 103 से भी ज्यादा कंपनी का डिपो है। आज बिजनेस करना आसान है, आज बिजनेस करना आसान है क्योंकि लोगों के घर पे महीने में लाखों रुपया पर मंथ इनकम जा रहा है, इसका एग्जाम्पल आरसीएम ने क्रिएट किया है। इसलिए बिजनेस करना आज के डेट में आसान है, आगे पीछे ज्वाइन करने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। आप जहां पे ज्वाइन करते हैं वहां से आपका साम्राज्य चालू होता है दोस्तों। इसलिए आप जहां पे भी ज्वाइन करते हैं और जब भी ज्वाइन करते हैं आपके सीखने के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी वर्क करने के ऊपर ये डिपेंड करेगा दोस्तों। फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। 2016 में 8000 करोड़ का इंडस्ट्री था डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, 2018 में 13000 करोड़ का इंडस्ट्री था डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, और 2025 तक ये बिजनेस 65000 करोड़ का इंडस्ट्री बन जाएगा दोस्तों। अभी आपको डिसाइड करना है कि 65000 करोड़ में आपका कितना परसेंटेज होगा, आपका कितना करोड़ का धंधा होगा 2025 तक। बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा फ्यूचर है दोस्तों। मैं पूरा वर्ल्ड का एक रिपोर्ट में आपको दिखाना चाहता हूं। आप देख रहे हैं पिक्चर में यूएसए, जहां पे पॉपुलेशन है मात्र 32% दोस्तों, 32 करोड़। अमेरिका के अंदर 32 करोड़ पॉपुलेशन है लेकिन 212,550 करोड़ का बिजनेस होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। 212,550 करोड़ का बिजनेस होता है ईयरली डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से। अब भारत को एक बार देखिए दोस्तों, भारत में क्या होता है। भारत में पॉपुलेशन की अगर बात करें मात्र 132 करोड़, अमेरिका में 32 करोड़, भारत में 132 करोड़। और एक गुड न्यूज मैं आपको बता देता हूं कि भारत में हर साल लगभग 32 करोड़ बच्चा पैदा होता है। मतलब भारत के पास इतना कैपेसिटी है कि हर साल एक यूएसए खड़ा कर सकता है दोस्तों। लेकिन भारत में एक साल का टर्नओवर क्या है, 7800 करोड़, मात्र 7800 करोड़, जहां पे बहुत बड़ा स्कोप है दोस्तों। अभी कुछ नहीं हुआ है, वेलकम प्लीज, अभी तो जाग जाओ, अभी तो जाग जाओ। यस सर, नेटवर्क मार्केटिंग का सक्सेस का जो चाबी है, पहला चाबी ड्रीम। ये बिजनेस ड्रीम से चलता है। लिखिए आप कागज में ड्रीम, जिस रूम में आप सोते हैं जागने के बाद सबसे पहले किसी को देखना नहीं है, पहले अपने ड्रीम को देखिए, ड्रीम चार्ट को देखिए दोस्तों। दूसरा चीज आपका हैबिट। हैबिट दो तरीके का होता है,
किसी को मीटिंग देखने का भी हैबिट होता है, किसी को नहीं देखने का हैबिट होता है, किसी को पिकअप सेंटर में जाने का हैबिट होता है, किसी को नहीं जाने का हैबिट होता है, किसी को प्रोडक्ट यूज करने का हैबिट होता है, किसी को नहीं होता है। जो हैबिट आपको कामयाब बना सकता है ऐसा हैबिट को लिखिए और इस हैबिट पे आप आ जाइए दोस्तों। दूसरा चीज, कंपिटिटर होना चाहिए दोस्तों। मैंने इस बिजनेस को जब ज्वाइन किया था तो कंपिटिटर मतलब कंपटीशन किसी के साथ खुल्लम खुला नहीं, मन ही मन। किसी का टारगेट अचीवमेंट देख के आपका भी टारगेट होना चाहिए कि वैसा लेवल पे मेरे को भी जाना जरूरी है। और कोई अपलाइन के साथ कंपटीशन नहीं, कोई डाउनलाइन के साथ कंपटीशन नहीं, कंपटीशन करना है तो क्रॉस लाइन में किसी भी व्यक्ति के साथ आप मनी मन कंपटीटर किसी को बना सकते हैं। मेरा भी है, इसलिए आज मैं स्टार रूबी लेवल पे हूँ, आज मैं कोल लीडर हूँ। अगर कंपटीटर नहीं होता तो आज यहाँ पे नहीं होता, मैं जैसा था वैसा ही होता। दूसरा चीज, प्रायोरिटी को देना पड़ेगा दोस्तों, प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा। अगर मैं आपको 5 रुपया का 100 नोट देता हूँ, मतलब 500 रुपया मैं देता हूँ और एक 500 रुपया का नोट देता हूँ, अचानक हवा का झोंका आता है, सारा नोट अगर उड़ के जा रहा है तो कौन सा नोट को सबसे पहले आप पकड़ेंगे? ऑब्वियसली 500 रुपया नोट। क्यों? क्योंकि 5 का जो 100 नोट है उसका वैल्यू 5 है और 500 का एक नोट जिसका वैल्यू 500, तो आप 500 वाला नोट को अगर उठाएंगे तो एक नोट में ही 500 रुपया आपको मिल जाएगा। तो आरसेम बिजनेस भी दोस्त, 5 रुपया नहीं, 500 रुपया जैसा प्रायोरिटी आपका होना चाहिए। प्लानिंग होना चाहिए, प्लानिंग हमेशा अपलाइन का होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इस बिजनेस में कामयाब बनना है तो अपलाइन से पूछो कैसे कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे ऐसे और बीच में कमाओ पैसे पैसे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्शन। प्लानिंग अपलाइन का, लेकिन एक्शन आपका खुद का होना चाहिए। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे दो डॉगी आपको दिखाई दे रहा है, एक का पूंछ देख रहे हैं आप मोबाइल की टावर की तरह है और एक का पूंछ आप देख रहे हैं कि अंदर घुसा हुआ। इसको बोलते हैं सर कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस आपका है तो आपका बिजनेस चलेगा, अगर कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। पता है कॉन्फिडेंस कैसे पैदा होता है? जब तक आप खुद प्लान दिखाना शुरू नहीं करेंगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब तक खुद प्रोडक्ट रिटेलिंग करना आप शुरू नहीं करेंगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब तक खुद प्रोडक्ट यूज करना आप शुरू नहीं करेंगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब तक आप मीटिंग देखना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब तक आप टाई नहीं बांधेंगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप सोचते हैं कि जब मैं रॉयल्टी में पहुंच जाऊंगा तब टाई बांधूंगा। भैया ये आरसीएम का टाई है, ये टाई भी सोचता है कि बेटा तू पहले बांधेगा उसके बाद रॉयल्टी पे जाएगा। तो दोस्तों एक कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग एक पार्ट टाइम बिजनेस है। पार्ट टाइम अगर कोई भी काम को आप करते हैं उसको करिए और करने के बाद जो टाइम आपका खाली समय है उसको आप इस बिजनेस में इन्वॉल्व करिए। बहुत सारे लोगों का मन में एक सवाल होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, 8 घंटा हम लोग सोते हैं, इससे ज़्यादा सोना भी नहीं है। 8 घंटा हम लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, इससे ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग इंसान है, गधा तो नहीं है। और 4 घंटा हम लोग फैमिली को टाइम दे सकते हैं लेकिन फिर भी बसता है हाथ में 4 घंटा। जो टाइम हम लोग अखबार पढ़ते हैं, जो टाइम हम लोग टीवी देखते हैं, इस टाइम को दोस्तों देना पड़ेगा आरसीएम बिजनेस के नाम। तो आपका ये 4 घंटा का बिजनेस है दिन का, तो आपका बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड हो सकता है। एक पिक्चर में आप देख रहे हैं दोस्तों दो तरीके का इंसान, एक व्यक्ति भीख मांगने का काम कर रहा है, मुस्टन सा आदमी, हाथ पांव सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन वो भीख मांगने का काम कर रहा है, लेकिन दूसरा आदमी जिसका हाथ कटा हुआ है लेकिन वो मजदूरी का काम कर रहा है। तो दोस्तों आपका सिचुएशन जैसा भी है, आपका हालात जैसा भी है, ये बिजनेस सोच का है, आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं और आपका सोच बोल रहा है कि नहीं कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते। बिजनेस आसान आसान हर कोई व्यक्ति बोलता है लेकिन आज थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा। बिजनेस मुश्किल है, बिजनेस वेरी क्रिटिकल। 10 लोगों को आप प्लान दिखाएंगे, एक व्यक्ति आपको कहेगा यस, सॉरी नो, एक व्यक्ति कहेगा नो, बहुत अच्छा आदमी है। उनमें से 10 में से एक व्यक्ति कहेगा यस, वो भी अच्छा आदमी है, लेकिन 8 आदमी आपको मिलेगा जो बहुत डेंजरस हैं, जो लोग मनी मन सोचेंगे मैं भी नहीं करूंगा और तेरे को भी करने नहीं दूंगा, ऐसा ऐसा आपको पॉजिटिव मैसेज देंगे, इतना मोटिवेशन आपके अंदर भरेंगे कि आपका हवा टाइट हो जाएगा दोस्तों। ऐसे लोगों से फाइट करना सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यही लोग आपको बहुत कुछ सिखाएगा, यही लोग आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा। यस सर, ऐसे जितने लोगों से आप मुलाकात करेंगे आपका बिजनेस उतना बढ़ेगा। तो इन लोगों से डरना नहीं है दोस्तों, आगे बढ़ते रहना है क्योंकि मुश्किल दुनिया में हर कोई काम है। एक पिक्चर में देख रहे हैं कि एक फोटो है,
ये सियाचिन का फोटो है जहां पे भारत का एक आर्मी -50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में भी अपना जिम्मेदारी से हटते नहीं है, जिम्मेदारी को पूरा करते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो पेट पालने के लिए वहां पे नहीं है, वो अपना मिशन के लिए वहां पे है। उनके पास रीजन नहीं है, उनके पास विजन है। तो इस बिजनेस में भी दोस्त आपका मिशन होना चाहिए, आपका विजन होना चाहिए।